नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोगों का क्रोशेट सुधा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक थाल पोश डिजाइन लेकर के आई हूँ। यह बहुत ही प्यारा लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बना करके फ्रेंड्स नॉट लगा लेंगे। नॉट लगा के इसमें एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन लेंगे, दो सिंगल क्रोशिया, दो चेन, दो सिंगल क्रोशिया। तो टोटल चार हो गया फ्रेंड्स, एक दो तीन चार हो गया। अब मैजिक रिंग को खींच देंगे। इस तरह से ऐसे लेंगे और यहाँ पर डालते हुए इसको स्लिप नॉट लगाएंगे। इस तरह से खींचेंगे, यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे फ्रेंड्स। इस तरह से इसको निकालते हुए व्हाइट वाले धागा को इस तरह से खींच देंगे। यहाँ पे गैप बन गया फ्रेंड्स, और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया फ्रेंड्स, ये दो सिंगल क्रोशिया लिए थे, इसके पीछे साइड से दिख रहा होगा फ्रेंड्स, व्हाइट के चलते थोड़ा सा बैक साइड से इस तरह से लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखो गया फ्रेंड्स, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया में भी बैक साइड से बना देंगे। तो दो सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद फिर जहाँ चेन लिए थे, दो चेन लिए थे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर दो चेन लेंगे और सेम इसी गैप में, चेन वाले गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसके बैक से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। फिर दो चेन का गैप में एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन और एक सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बना देंगे दो, एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन और सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ भी सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया बना देंगे एक गैप में, और इसके बाद फंदा लेंगे, इसको जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे यहीं पे इस तरह से डालते हुए निकालेंगे, और वाइट वाला को एक साथ निकाल देंगे फ्रेंड्स। वाइट वाला को इस तरह से खींच देंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे। ऐसी गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट में यहाँ सिंगल क्रोशिया बढ़ जाएगा, एक दो तीन अरे चार सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स नेक्स्ट राउंड में।
फिर ये दो चेन का गैप आ गया, इसमें एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन और एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर चार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो हो गया, तीन अरे चार। फिर इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फ्रेंड्स ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स दो चेन लेकर के इसको पहला वाला चेन से इस तरह से निकालेंगे, पिंक धागे को इस तरह से करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से गैप हो गया फ्रेंड्स, फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स, तो वन सिंगल क्रोशिया हो गया इसमें, इस लाइन में टू थ्री फोर फाइव आइए सिक्स सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। फिर ये दो चेन का जो गैप था इसमें डाल करके एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दो चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर यहाँ पर बैक साइड से ही सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव अरे सिक्स हो गया। फिर नेक्स्ट ये दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दो चेन ले लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर से पहला वाला फंदा में डाल करके इस तरह से और वाइट वाला को खींचेंगे, लॉक करेंगे और इसी में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट बैक साइड से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। एक सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स, यह दो हो गया, तीन चार पांच छः सात ये आठ हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद दो चेन के गैप में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दो चेन लेंगे और फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अरे एट। फिर इस गैप में डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दो चेन लेंगे और
सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से लाइन कंप्लीट कर दिए हैं। फिर यहाँ पर डबल फंदा लेंगे और यहाँ डालते हुए निकालेंगे और ये पिंक वाला से इस तरह से निकाल देंगे, लॉक कर देंगे इसको फ्रेंड्स। इस तरह से इसको खींच देंगे और इसी में डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ से फ्रेंड्स सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हर राउंड में दो दो सिंगल क्रोशिया बढ़ रहा है। फिर यहाँ नेक्स्ट में डालकर दो चेन के जाली में डाल करके इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे। दो चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर बैक साइड से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से पूरे राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया इस गैप में बना करके और इस तरह से फंदा लेते हुए इसको निकालेंगे और ये व्हाइट से निकाल देंगे, इसको खींच देंगे फ्रेंड्स। अब इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और बैक साइड से करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। वन सिंगल क्रोशिया और ये टू सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर दो सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से ये जो दिख रहा होगा फ्रेंड्स जो 8 सिंगल क्रोशिया नीचे बनाए थे बैक साइड से, तो यहीं से इसे इस तरह से उठाते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, अरे 8। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स लास्ट में ये दो सिंगल क्रोशिया इधर भी बना देंगे बैक साइड से ही। 1, 2 दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। दो चेन ले लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और यहाँ भी दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2 फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। One, 2, 3, 4
फाइव सिक्स सेवन और ये एट। इसके बाद दो सिंगल क्रोशिया, एक एक दो सिंगल क्रोशिया और बीच में दो चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, दो चेन और सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से यह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स ये पूरे राउंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फंदा लेकर के इसमें निकाल लेंगे और दूसरा वाला कलर लगा देंगे फ्रेंड्स। व्हाइट कलर को थोड़ा सा नीचे की ओर खींच देंगे, फिर इसी गैप से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर नेक्स्ट चेन से बैक साइड से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। यह चौदह सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद यह दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ज्वाइंट करके दूसरा कलर लगा लिए हैं और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो यह वन सिंगल क्रोशिया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर टू हो गया, थ्री फोर या फाइव सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। फाइव सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स इसके बीच से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। पहला राउंड में एट डबल क्रोशिया था फ्रेंड्स और सेकेंड राउंड में यह सिक्स डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद यहाँ से फाइव सिंगल क्रोशिया भी बनाएंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से फाइव सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इधर भी, टू थ्री फोर फाइव अरे डबल दो चेन के बीच में एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन और एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से इसी तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स, सेम या रिपीट करेंगे इस राउंड को और उसके बाद यह पिंक से फिर बनाते हुए जैसे ये लाइन को बनाए थे उसी तरह से आगे भी इसके ऊपर भी एक पिंक से बना करके दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। देखिए फ्रेंड्स पिंक से एक राउंड और चला दिए हैं। इसके बाद व्हाइट वाला से फ्रेंड्स तो ज्वाइंट करके एक सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, तो ये दो हो गया फ्रेंड्स, तीन चार पाँच छ सात
8 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे, एक डबल क्रोशिया को इधर छोड़ते हुए। तो यह दो हो गया, तीन, चार और इधर भी 8 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, अरे ऐसे दो चैन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, दो चैन और एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 8, दो, इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद व्हाइट वाला कंप्लीट करने के बाद पिंक से एक राउंड और चला करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से व्हाइट वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद एक पिंक से एक राउंड और चला दिए हैं और इसके बाद फिर से फ्रेंड्स व्हाइट वाला, तो यहाँ पर ज्वाइंट करने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं, तो एक हो गया फ्रेंड्स। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12 लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डालते हुए डबल क्रोशिया बना देंगे 1 या 2 डबल क्रोशिया फ्रेंड्स। फिर इसके बाद इधर भी 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स ये दो चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, दो चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे के कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ भी आकर के दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से यह पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। डिजाइन कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये व्हाइट वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद पिंक से एक राउंड और चला दिए हैं। अब यहाँ से पैटर्न फ्रेंड्स एक और इसी तरह का शुरू होगा। तो यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं एक गैप में और एक यहाँ पर। तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया होगा फ्रेंड्स, 2 3 4 यह 5 सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ से डालते हुए डबल क्रोशिया बनेंगे, तो एक हो गया, 2
चार, पांच, छः, सात, अरे आठ, आठ डबल क्रोशिया यहाँ पर हो गए फ्रेंड्स। फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे बैक साइड से ही। एक, दो, तीन, चार, ये पांच सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स बीच में। फिर यहाँ से डालते हुए एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ हो गया फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर फाइव सिंगल क्रोशिया बना देंगे। वन, टू, थ्री, फोर, एक, फाइव। इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया, दो चेन और एक सिंगल क्रोशिया। ये पैटर्न इस तरह से बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद पिंक से एक राउंड और चला करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से यह पैटर्न बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर व्हाइट वाला से एक कलर चलने के बाद एक बार पिंक से चला दिए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ज्वाइंट करने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, ये आठ सिंगल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। और इसके बाद एक ये छोड़ करके यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। ये छः सिंगल क्रोशिया हो गए फ्रेंड्स। ये छः डबल क्रोशिया हो गया। और यहाँ पर फिर से ये आठ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। आठ सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया को छोड़ के यहाँ भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, अरे छः। छः डबल क्रोशिया बनाने के बाद इधर आठ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। सात, आठ सिंगल क्रोशिया,
एक इस गैप में सिंगल क्रोशिया, दो चैन और एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से यह पैटर्न तैयार होगा फ्रेंड्स। अरे इसको आगे तक कंप्लीट करते, जैसे यहाँ दो बचा हुआ है, इसी तरह से यहाँ भी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह से यह राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ दो डबल क्रोशिया होगा, ऊपर से एक लाइन पिंक से चला दिए। तो फ्रेंड्स यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स इसे आप टेबल क्लॉथ, कुशन कवर, बेडशीट या अपने अनुसार जो बनाना चाहें, यह बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर यह डिज़ाइन पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा यह डिज़ाइन आपको कैसा लगा। थैंक यू।